15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर में कुछ बड़े होने की सुगबुगाहट दिखाई दे रही है। मोदी और शाह की जोड़ी शायद कुछ बड़े प्लानिंग में, तभी तो बड़ी संख्या में सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर भेजे जा रहे हैं। एक हफ्ते पहले जहां 10,000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की बात हुई थी, तो अब वहीं 25,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजने का फैसला लिया गया है। जो अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे जाएंगे उनमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान शामिल हैं। इसके अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के जवान भी शामिल हैं। खैर, सवाल यहां तो ये उठता है कि आखिर एक हफ्ते के भीतर ही ऐसा फैसला क्यों लिया गया जिसमें इतनी बड़ी संख्या में फोर्सेस की तैनाती की जा रही हो। यहां सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल नंबर एक, कश्मीर में 25,000 अतिरिक्त जवान क्यों? सवाल नंबर दो, कश्मीर पर केंद्र क्या बड़ा फैसला करने की प्लानिंग में है? सवाल नंबर तीन, क्या कश्मीर में अनुच्छेद 35 से खत्म होने वाला है? कयास लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 35 को हटाने पर फैसला लिया जा सकता है और इसी को लेकर तैयारियां भी तेज की जा रही है। हालांकि ये सिर्फ कयासों का दौर है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टियां अभी से डरने भी लगी हैं। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि चुनाव के मद्देनजर कुछ इस तरह के फैसले लिए गए हों। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही अमित शाह ने यह भी साफ किया था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A और 370 को खत्म कर दिया जाएगा। और अब चुनाव के बाद अचानक अतिरिक्त जवानों की तैनाती जम्मू कश्मीर में करना एक संकेत हो सकता है, और शायद इसलिए भी बेचैनी कुछ लोगों की बढ़ी हुई है। जो है वो 35A का है, 370 का है, और जो इस वक्त चिमनगोया हो रही है, जो इस वक्त तश्वीश है लोगों को लाहक, जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज का जमावड़ा बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से कश्मीरी पुलिस को साइडलाइन करके सिक्योरिटी फोर्सेस को ज्यादा रोल दिया जा रहा है, उससे एक तश्वीश सबके दिलों में लाहक हो गई है। तो इस चीज का मुकाबला करने के लिए हम सब पॉलिटिकल पार्टीज को मिल बैठ के कोई फैसला करना चाहिए, और मैं उम्मीद करती हूं कि फारूक साहब का रिस्पॉन्स अच्छा था, मगर उसके बाद ही उनको दूसरे दिन बुलाया गया सवाल जवाबी के लिए। वो जो क्रिकेट जो स्कैंडल है वो बहुत पुराना, उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें चालान भी हुआ है, मगर पिछले 5 साल में कोई हरकत नहीं हुई। आज अचानक जब जम्मू कश्मीर की पार्टीज ने इकट्ठा होने का फैसला किया तो फारूक साहब को सवाल जवाब के लिए बुलाया गया। मोदी सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 3 दिनों तक घाटी में रहे और जम्मू कश्मीर में हर मोर्चे पर नजर बनाए रहे। अजीत डोभाल के जम्मू कश्मीर से लौटने के बाद अब अतिरिक्त जवानों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 35A को हटाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भी बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 35A और 370 को खत्म करने की प्रतिबद्धता जाहिर की थी। मोदी सरकार के इस कदम से लग रहा है कि इस दिशा में कदम उन्होंने बढ़ाया है।